साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। चलते हैं, कुछ शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हमने क्या शुरुआत की है। तो कार्तिक के साथ थोड़ा सा रूबरू करवाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कुछ छोटे मोटे सिनेमैटिक्स और कुछ भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ दिखाएंगे जरूर। तो चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ में और मिलते हैं आप लोगों से, जाना नहीं फिर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कार्तिक, आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या? अरे दोस्त, तुम मुझे ऐसा पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? आइए पोर्च रंग कलर लग गया। आइए एडिट के साथियों से कुछ कह दो। तो कार्तिक बुला रहे हैं, ये जो है भाई कुछ कहना चाहते हैं। दोस्त ये देखिए, हमें तेल से छुटा लिया है इसको। तो चलिए मित्रों, आगे जो है शुरू करते हैं कुछ काम और आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों, आज ठंडी बहुत है, तो ठंडी में आप कपड़ा पहन लिए। हमने ये अलग कपड़ा पहना हुआ है और चार कपड़े पहने हुए हैं। तो चलिए, तो आप ठंड में शॉर्टर पहन लिए, बहुत ही ठंड है। हमने टोपी पहनी हुई है, पजामा पहना हुआ है। और दोस्तों, चलिए चलिए ठीक है, कोई नहीं। आपने बहुत सारा जो है बातें कर लिया। हम किचन में आए हैं और यहाँ ले हैं पापा बहुत सारी सब्जियाँ और यहाँ बर्तन है, पन्नी भी है। और दोस्तों, हमने कल बिस्कुट खाया था, आपको भी ये हम दिखा देते हैं, आप भी खा लेना। तो दोस्त, हमारे वीडियो में जुड़े रहिए, बने रहिए और खूब मेहनत लगती है हमें वीडियो में, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कुछ नया। लेकिन चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो जो है बढ़िया लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, लाइक का बटन जरूर दबा देना और सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियो को जरूर देखना, जरूर से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अच्छा चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे और कंटिन्यू करिए हमारे साथ। चलिए ओके साथियों, प्रिय दोस्तों, आलू के पराठे के लिए बनता हुआ सामग्री आपके स्क्रीन के सामने देखिए और थोड़ा सा लुत्फ उठाइए। धन्यवाद। आलू के पराठे के लिए सामान बनता हुआ और ये हमने तड़का लगा दिया है और आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके हम फ्राई कर देंगे और फ्राई करके उसको पकने देंगे आलू को। उसके बाद फिर इसको मैश करके अगला प्रोसेस करेंगे। तो इस तड़के में हम थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देते हैं और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी पड़ेगा, ताकि जो है, क्योंकि धनिया पाउडर डाल देंगे तो उसकी जो है ना थोड़ा अलग प्रकार का हो जाएगा तड़का। तो हल्दी का पाउडर डाल दें और नमक डाल दें स्वाद अनुसार, ठीक है, ताकि आलू गल जाए। और धनिया पाउडर आप बाद में डाल सकते हैं, जब पेस्ट आप बनाना तो पेस्ट के समय डाल सकते हैं, ऊपर से डाल सकते हैं जब पेस्ट आप बनाएंगे, आटे में बनाएंगे या इसमें। कच्चा जो है पेस्ट बना के डालने से स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है, तो हम कच्चा पेस्ट जो है वो इसके मैश में बाद में डालेंगे। इसका जब हम आलू को मैश करेंगे, मिलाएंगे, तो बाद में डालेंगे जब आलू पक जाएंगे। तो मित्रों, ये रहा हमने आलू का प्रोसेस कर दिया है, इसको हमने तड़के में डाल के और इसको समझ लो फ्राई कर दिया है। अब इसको हम ढक देंगे करीब 5 से 10 मिनट तक, इसको हम रखेंगे हल्का स्लो लैम पे और उसके बाद में इसको, चलिए ठीक है मित्रों, 5 से 10 मिनट थोड़ा वेट करते हैं हम स्लो लैम पे, उसके बाद दिखाते हैं अगला प्रोसेस। सुन है, मेरे साथ खोल ही रहे हैं और मैंने हरियर मिर्चा है, अगर हमने बारीक बारीक काट लिया है तो हम अवधि में बोली था पहले कोनो मायने ना कर जाए। ये हरा मिर्चा, ये मकरा मिर्चा है और ये लहसुन है, ये दोनों को हम जो है पेस्ट बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं रहेगा इसमें। हाँ, क्या कहते हैं, थोड़ा अदरक का भी टुकड़ा है, तो तीनों को आपस में पेस्ट बनाएंगे और जब हम आलू को मिक्स करेंगे, मैश करेंगे, उसके बाद में इसको हम डालेंगे, तो स्वाद जो है पराठे का वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो आप भी इसको जो है मिक्सी में पीस सकते हैं और नहीं तो आप भून के डालेंगे इसको, तो ज़्यादा ही स्वाद आएगा, ठीक है। तो चलिए मित्रों, अगला स्टेप दिखाते हैं आपको, तब तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो मित्रों, लहसुन और उसका लहसुन अदरक और क्या कहते हैं हरी मिर्च का ये जो है हल्का पेस्ट है, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया हमने और इसमें डाल करके हम मिक्स कर दे रहे हैं। आलू पूरी तरीके से हो चुकी है और अब ये जो है मैश किया जा रहा है, उसके बाद में हम इसको जो है
बढ़िया से आटे के अंदर भर करके और बेहतरीन बेहतरीन जो है वो हम पराठा बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों साथियों हम चलते हैं इसके अगले प्रोसेस की तरफ, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ में और दिखाते हैं हम आपको इसका सबसे बढ़िया वाला प्रोसेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। दोस्तों मैं आपको बताना हूँ कि इसमें मजाक कैसे करा जाता है, हजी हम कैसे करते हैं, और भी आपको मैं कमेंट बॉक्स में कर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और चैनल पे बने रहना ताकि हम चलिए हंस के तो दिखाओ, जो दिखाने वाले हो हंस के वो दिखाओ कैसे हंसते हो। तो दोस्तों आपने हंसी देख ली तो ये देखिए ये दिखा दो। ऐसी हंसी तो हम पहली बार देख रहे हैं। चलिए दोस्तों एक बार और दिखाओ ट्रायल कैसे हंसते हैं। तो अभी ऐसे करें तो जिसके न्यू वीडियो जो डाले करें तो आपके मोबाइल पर पहुंच जाए, देखिए करिए और चैनल पर जो बने हैं तो लाइक कर लिए और चैनल पे जो बने रहिए और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और दोस्तों नातेदारी में शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही तक था, तो चलिए आज मम्मी को भी ऐसा आकर दिखाते हैं। मम्मी को भी ऐसा आकर दिखाते हैं। एक मिनट नहीं नहीं यार एक